पूर्णिमा की रात पर क्या होगा? हम सब मिलके नाचेंगे, गाएंगे और टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। मुझे लगता है अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आपका स्वागत है। एक ग्लास चॉको चिप्स प्लीज एंड विद मिल्क प्लीज। ये लीजिए, मैं आपको पहली बार यहाँ पर देख रही हूँ। आपने बिल्कुल सही समझा। शिनचैन जिसे नहीं जानते उससे इतनी बातें करना ठीक नहीं है। अपने खाने पीने पर ध्यान दो। मैंने तो बस ये यूं ही पूछ लिया। अच्छा होगा कि अपना काम खत्म करो और जल्दी यहाँ से चले जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखो, इससे तुम्हें कुछ समझ आया? मुझे हील्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं स्टूल पर खड़ा हो जाता। हील्स नहीं। यहाँ वेयरवुल्फ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानता। ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियाँ बनाई गई हैं और कुछ नहीं। क्या सच में तुम्हें डर नहीं लगता? शिनचैन, तुम मुझे डराते क्यों रहते हो? खजाना, मुझे लगा हमें कोई डराने आया है। क्या कहा? हमने सोचा है कि आज हम इसी कैंप में रुकेंगे। है? लेकिन ये कैंप तो पहले से ही बंद हो चुका है। क्या सच कह रहे हो तुम? अब हम क्या करेंगे? आसपास तो कोई और होटल भी नहीं है, तो क्या हमें बाहर सोना होगा? हमारी मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ होगी। वाओ, तुम तो अपना बेड खुद लगा लेते हो। शुक्रिया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। हम बस यहाँ आज के लिए ही रुकेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या सच में यहाँ पे वेयरवुल्फ है? उस दुकान पर जो आंटी खड़ी थी उनका कहना था उन्होंने वेयरवुल्फ को देखा है। वैसे मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। क्या उन पर किसी तरह का कोई हमला हुआ था? उनके पैर में पट्टी जरूर थी, पर मुझे नहीं लगता कि जख्म गहरा होगा। वो तो ठीक चल रही थी। चलो अच्छा है, गहरी चोट नहीं लगी। तो तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? मुझे मुफ्त का झूला झूलने में बहुत मजा आता है। बस चलो मिलकर फुटबॉल खेलें। क्यों नहीं? ये लो। हम फुटबॉल खेल रहे हैं शिनचैन। वह क्या शॉट है! कहाँ गई? अरे हाँ, मिल गई। अरे सुनो तो मसाओ, क्या तुम्हें हमारी बॉल मिली? मसाओ, मिल गई। चलो ना, हम कजामा के साथ वॉलीबॉल खेलें। लेकिन हम तो फुटबॉल खेल रहे थे ना। ये कितना टेस्टी दिख रहा है। हाँ ये तो है। और तुम क्या बना रहे हो शिनचैन? मैंने फ्राइड अंडे बनाया है। तुम क्या कर रही हो मसाला? मुझे अंडे की भुर्जी ज्यादा पसंद है इसलिए। क्या हुआ, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? सुनो कजामा, हम कल भी ऐसे ही खेलेंगे ना जैसे आज खेले थे। मैं आज से पहले ऐसा कभी नहीं खेला। हाँ जरूर, लेकिन अभी हमें सो जाना चाहिए, देर हो गई है। हाँ ठीक है, सो जाओ कजामा। गुड नाइट। वाह कजामा, तुम सफाई करने में तो माहिर हो। मुझे तुम पर बर्फ है। बर्फ नहीं शिनचैन, गर्व कहो। ये देखो कितने सारे बाल हैं इस घर में। पर ये बाल किसके हो सकते हैं, सोचा है तुमने कभी? ये बाल मसाओ के तो नहीं हो सकते। वैसे इस बारे में तुम क्या कहते हो? मुझे लगता है ये तुम्हारे बाल हैं। मेरे नहीं है। मुझे लगता है ये जरूर किसी जानवर के बाल हैं। अरे ये क्या? कभी कभी कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हाँ।
que según qué cosas es mejor no saberlas, ¿qué querría decir? Shin-chan, Kazama, mirad. ¿Eh? ¿Y es qué? जानते हो ये वेयरवुल्फ से छुटकारा पाने का एक तरीका है और इस सिल्वर बुलेट से उसको मारा जा सकता है ये दोनों जरूरी हैं सिल्वर बुलेट इससे वेयरवुल्फ को मारते हैं अरे बल मेरी प्यारी दोस्त कज़ामा क्या तुम इसके बदले गोल्डन बॉल लेना चाहोगे तुम चाहो तो इसे अपने घर पर सजा सकती हो मुझे सिल्वर बुलेट चाहिए तुम भी क्या याद रखोगी मैं तुम्हें दोनों ही दे देता हूँ ले लो मुझे सिर्फ यही चाहिए समझे कल पूर्णिमा की रात है और अगर मैं वेयरवुल्फ बन जाऊं तो इस सिल्वर बुलेट से तुम मुझे मार देना ठीक है क्या कह रही हो मसाओ तुम वेयरवुल्फ हो हाँ शायद क्या कहा तुमने मुझे कुछ याद नहीं रहता उस समय पर जब मैं हम तुम्हें नहीं मार सकते कभी भी नहीं मार सकते समझ गए तुम मुझे डर लगता है कि अगर मैं वेयरवुल्फ बनकर किसी को नुकसान पहुंचा दूं तो इसी बात से डर कर मैं दूर पहाड़ों पर चला जाता हूं कि मेरी वजह से किसी को नुकसान न पहुंचे क्या कहा तुमने अगर पूर्णिमा की रात को मैं वेयरवुल्फ बन जाऊं और किसी को नुकसान पहुंचाऊं तो याद रखना मुझे मुझे अरे मसाओ तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मैं चांद अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्णिमा की रात मत लाना शिन-चान हिम्मत रखो मसाओ मैं सूरज अंकल से भी जल्दी आने को बोल दूंगा मेरा ये आइडिया तुम्हें कैसा लगा हाँ मसाओ हम दोनों तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे देखना सब ठीक हो जाएगा लगता है कि आज पूर्णिमा की रात है कज़ामा क्या तुम्हें पता है कि मसाओ यहाँ पर नहीं है मसाओ मेरी बात सुनो नहीं शिन-चान उसने सिल्वर बुलेट कहा था देखो ये रही क्या ये तो भालू जैसा डॉग है अरे डॉगन है टम टम टाकसी टाक टाक टा आकटी का टाकटी आकटी इस भालू जैसे डॉग से मुझे ये चोट लगी है मैं बेकार ही डर गई लेकिन इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है नहीं हमें मसाओ को बताना होगा कि वो जो सोच रहा है वो गलत है वो एक रकून डॉग है कभी कभी ना बताने में ज्यादा मजा है तुमने सही कहा हम उसे नहीं बताएंगे सही कहा हवा चलती है हवाओं में कहीं टम टम टक कितना अच्छा डांस है